नमस्कार। हम मनुष्य परमात्मा का ही अंश हैं। अज्ञानतावश हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। शुद्ध चेतन स्वरूप होने के बावजूद 5 विकारों काम, क्रोध, मद, मोह और अहंकार के अधीन होकर हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। यही माया है कि हम खुद को कुछ और समझने लगते हैं जो कि हम नहीं हैं। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप जो सोचेंगे वह हो सकता है, अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि आप जो बोलेंगे वह सच हो जाएगा या फिर जो आप चाहेंगे वही होने लगेगा, तो क्या आप मेरे बात पर विश्वास करेंगे? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। योग, ध्यान, व्यायाम, अध्ययन और तप द्वारा आंतरिक शक्तियों को जगाकर हम जो चाहें, जैसा बोलें और जो सोचें वह सब हो सकता है। और यह सब करके हम अपने अंदर की दैवीय शक्ति को जगा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। दिव्य हिंदू शास्त्र में आपका स्वागत है। आपने बहुत बार देखा होगा कि अक्सर ऐसा हो जाता है कि हमारे मुंह से निकली हुई बात सच हो जाती है, या फिर हम दिन भर में कई सारी बातें करते हैं जिनमें से एक दो बात एकदम सटीक हो जाती है। लेकिन यदि आप चाहें तो अपनी हर एक बात को सच करवा सकते हैं। यह सारी सृष्टि खुद आपकी बात को सच करने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। आप अपने भीतर की आंतरिक शक्तियों को विकसित करें, जैसे कि प्रेम, शांति, सहनशीलता, करुणा आदि, तो आप ऐसी शक्तियां पा सकते हैं जिससे आप जो चाहें वह हो सकता है और जिसकी मदद से आप खुद के कल्याण के साथ साथ संसार का भी कल्याण कर सकते हैं। हमारी आंतरिक शक्तियां हमारे आत्मा के अंदर हैं, इसीलिए आपको अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाने के लिए अपनी आत्मा को समझना जरूरी है, जिसके लिए आपको खुद को समझना जरूरी है। आप मेडिटेशन सीखें, सुबह उठकर मेडिटेशन करें, वह आपको बहुत मदद करता है खुद को समझने में। जैसे हम अपने शरीर की डाइट का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें अपने बुद्धि की डाइट का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आप शुद्ध विचारों को ग्रहण करें, अशुद्ध विचार या नेगेटिव बातों को ध्यान न दें। आप शुद्ध और शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करें, जिससे आपको शांति, शीतलता, खुशी मिलेगी और मानसिक स्पष्टता महसूस होगी। आपको मोह माया से मुक्ति पानी होगी। अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाने के लिए आपको मोह माया से मुक्ति पाना जरूरी है। विधाता ने मनुष्य आत्मा को निर्वाकारी, सरल और संतुष्ट जीवन जीने के लिए उत्पन्न किया है, किंतु मनुष्य ने अपने चारों ओर मोह का ऐसा माया जाल निर्मित कर दिया है जिसने उसकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी है। निस्वार्थ सेवा करना सीखें। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों को देना चाहिए, क्योंकि जहाँ निस्वार्थ होता है वहीं शांति, स्थिरता और प्रसन्नता होती है, जो कि हमारे अंतरूनी शक्तियों को जागृत करने के लिए बेहद जरूरी है। अगर आपने ध्यान सही तरीके से किया, मोह माया से मुक्ति पा ली और अगर आप शुद्ध आहार लेते हैं, आप दूसरों की सेवा करते हैं, तो आपकी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। जैसे जैसे आप ज्यादा जागरूक होते जाते हैं, तो आपके शरीर के वो भाग जो अभी अनिच्छिक हैं, वह सब स्वाभाविक रूप से आपकी इच्छा के नियंत्रण में आ जाते हैं। और यदि आप ज्यादा जागरूक और चेतनामय हैं, तो प्रकृति भी आपके अनुसार चलती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस प्रकार के वीडियो प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।